मॉर्निंग वंस अगेन फॉर क्लास फाइव। आज के लिए फिर से मैं साइंस लेकर आया हूँ। इसके पहले हम लोग फाइव में पढ़े थे इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ प्लांट्स, पौधों की संख्या में वृद्धि, दैट इज द रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन, पौधे नए पौधों को कैसे जन्म देते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि अधिकांश पौधे बीज के द्वारा नए पौधों को जन्म देते हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे बीज की रचना ना। नेक्स्ट आज हम लोग देखते हैं कि ये बीज जो एक पौधे में उत्पन्न होते हैं इनकी संख्या बहुत अधिक होती है। प्रायः एक पौधे में बहुत सारे फल होते हैं, एक फल में कम से कम एक या किसी किसी में अनेक बीज भी होते हैं। अगर एक वृक्ष के सारे बीज एक ही जगह पर गिर जाएं, तो बहुत सारे पौधे एक ही स्थान पर उत्पन्न हो जाएंगे। इसका परिणाम क्या होगा कि सारे पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिलेगी, आसपास से भरपूर न्यूट्रिशन यानी कि पोषण नहीं मिलेगा, खाद पानी नहीं मिलेगा, सभी को पर्याप्त लाइट नहीं मिलेगा। इसका परिणाम क्या होगा कि जब पौधों को भरपेट भोजन पानी लाइट पर्याप्त जगह नहीं मिलेगा तो सारे के सारे पौधे कमज़ोर होंगे और उनमें फिर अच्छे फल नहीं लगेंगे। इसलिए देखा गया है प्रकृति में कि पौधे के बीज बहुत दूर दूर तक बिखरते हैं, छितराते हैं, ट्रेवल करते हैं, जाते हैं, और इसी को कहते हैं डिस्पर्सन ऑफ सीड या सीड डिस्पर्सन, दैट इज द स्कैटरिंग ऑफ सीड्स। डिस्पर्सन मीन स्कैटरिंग ऑफ सीड्स टू फार अवे, दूर दूर तक बीजों का छितराना, बीजों का बिखराव कहलाता है, डिस्पर्सल ऑफ सीड कहलाता है। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स टू फार अवे इज नोन एज सीड डिस्पर्सल। तो इस तरह से एक वृक्ष के फल के बीज दूर दूर तक बिखरते हैं, लेकिन ऐसा स्वतः अपने आप नहीं होता है, इसके लिए कई एजेंट हैं, कई कारक हैं, कई माध्यम हैं जो बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, या इसे हम मेथड भी कह सकते हैं, मेथड ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, बीजों के बिखराव के तरीके क्या है, वे एजेंट कौन कौन है। देखिए द फर्स्ट इज विंड, हवा, बाय विंड सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड, कुछ बीज हवा के द्वारा बिखरते हैं। ऐसे बीज प्रायः हल्के होते हैं, बहुत हल्के होते हैं, और उनमें कुछ विशेष रचना पाई जाती है। सम सीड्स हैव विंग, उनमें पंख लगे होते हैं। सम सीड्स हैव पैरासाइट, पैरासूट लाइक स्ट्रक्चर, कुछ बीजों में पैरासूट की तरह रचना होती है। सम सीड्स आर वेरी लाइट वेटेड, कुछ बीज बहुत हल्के होते हैं, हल्के और बाल वाले, रोवे वाले और पंख युक्त बीज होते हैं जो हवा में उड़ते रहते हैं। जैसे आप देखे होंगे कॉटन, कपास का बीज है, मिल्कवीड है, साइकेमोर है ना, साइकेमोर में पैरासूट जैसी रचना पाई जाती है, कॉटन में हेयर्स पाए जाते हैं, रोए पाए जाते हैं, ये हवा में उड़ते हैं और दूर दूर तक गिरते हैं। सेकेंड है बाय वाटर, कुछ बीजों का बिखराव पानी के द्वारा होता है, प्रायः जल के किनारे उत्पन्न होने वाले पौधे जैसे कोकोनट है, लोटस है, उनके बीज हल्के होते हैं जो पानी में तैर सकते हैं, ये फ्लोटिंग होते हैं, पानी में तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। नेक्स्ट है बाय बर्ड्स, बर्ड्स कुछ पक्षी हैं जो बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, प्रायः पक्षी फल खाते हैं लेकिन फलों का बीज उनके शरीर में नहीं बचता है ना। सीड्स इज अनडाइजेस्टेबल फॉर बर्ड्स, पक्षी के लिए बीज अपचनीय होता है, तब जब वही पक्षी अपना मल त्याग करते हैं तो उसके साथ वे बीज निकल आते हैं। इस तरह से पक्षी भी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं, प्रायः फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के सीड्स का डिस्पर्सन। बाय एनिमल्स नेक्स्ट है, जंतु के द्वारा कुछ बीजों का बिखराव दूसरे जानवरों के द्वारा होता है, जैसे गिलहरी, चूहे बीजों को इकट्ठा करके रखते हैं, मिट्टी में छुपा कर रखते हैं, जो पानी पाकर, नमी पाकर बरसात में अंकुरित हो जाते हैं और नए पौधे निकलते हैं। इसी तरह से कुछ बीजों में ऐसी रचना पाई जाती है कि वे जानवरों के शरीर से चिपक जाते हैं, इसके लिए बीज की रचना में देखा गया है कि हुक पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, स्पाइंस पाए जाते हैं, जैसे कि जेंथियम,
एक ऐसा पौधा का बीज है जिसमें चारों तरफ कांटे जैसी रचना होती है, वे बड़े जानवरों के त्वचा से चिपक जाते हैं, फिर एक खेत से दूसरे खेत, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। पांचवा है बाइक एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन का मतलब होता है विस्फोट। कुछ बीज ऐसे हैं जिनके फल सूखने के बाद अपने आप फट जाते हैं और उनके बीज हवा में बिखर जाते हैं। जैसे बहुत कॉमन है लेडीज फिंगर, जिसे हम लोग भिंडी कहते हैं, उसके फल जब पक जाते हैं तो अचानक फट जाता है, उसके सारे दाने बिखर के दूर दूर तक चले जाते हैं। इस तरह से प्रकृति में बीजों के बिखराव के लिए कई एजेंट हैं, ये सारे के सारे एजेंट हैं, विंड, वाटर, बर्ड्स, एनिमल्स, है ना, और इनके द्वारा बीज का वितरण एक स्थान से दूसरे स्थान होता है। इसके आधार पे आपको कुछ वर्क करना है। सबसे पहले व्हाट इज सीड डिस्पर्सन, किसे कहते हैं बीज का बिखराव, मैंने बताया। स्कैटरिंग ऑफ सीड्स टू फार अवे इज नोन एज सीड डिस्पर्सन। राइट द डिफरेंट एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सन, हमने बताया कि बीजों के बिखराव के एजेंट कौन कौन है, उनका नाम आपको लिखना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट।